होम्योपैथी बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स देता है, बहुत क्विक रिजल्ट्स देता है। फेशियल पैल्सी में काफ़ी पेशेंट्स ठीक होते हैं एंड उम्मीद करेंगे कि आपका भी जल्दी ठीक हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया एंड वेलकम टू निरामया हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है बेल्स पाल्सी यानी फेशियल पैरालिसिस पर। तो बेल्स पाल्सी की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये समझते हैं कि बेल्स पाल्सी क्या होता है। बेल्स पाल्सी दोस्तों फेशियल पैरालिसिस होता है। ये मोस्टली एक साइड में होता है, या तो राइट साइड इफेक्ट होगा या लेफ्ट साइड इफेक्ट होगा, बहुत रेयरली ही दोनों साइड इफेक्ट होते हैं। अब हम समझते हैं इसके सिम्टम्स यानी इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि बेल्स पाल्सी हो सकती है। सबसे पहले, जैसा मैंने पहले बताया कि जो जिस तरफ पैरालिसिस हुआ है उस तरफ के मसल्स जो है कमज़ोर हो जाएंगे, यानी उसमें ताकत आपको कमी महसूस होगी। इसी वजह से आपका जो होंठ है ये शायद थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट हो जाए, आपकी आंखें थोड़ी सी इस तरह से टिल्ट हो जाए, आँख या तो खुली रहेगी या बंद होने में दिक्कत होगी। आपके होंठ के यहाँ से चूंकि मसल पे कंट्रोल नहीं है तो यहाँ से शायद सलाइवा आपका गिरता रहेगा, इस तरह से ड्रूलिंग्स को बोला जाता है। फेशियल एक्सप्रेशंस बनाने में उनको दिक्कत होगी, बिकॉज फेशियल एक्सप्रेशंस बनते हैं दोनों तरफ का सेम, दोनों जो फेस होता है उसको मिला के फेशियल एक्सप्रेशन बनता है, एक तरफ का काम नहीं कर रहा है तो वो नहीं बना पाएंगे। स्पीच में दिक्कत होगी, बोलने में उनको दिक्कत होगी, उनकी बोली साफ नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। इस तरफ आपको हेडेक रह सकता है, आपका इस तरफ का कान हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, साउंड आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि उनके जो, अगर इस आँख से कुछ आंसू गिर रहे हो या सलाइवा है, इसमें भी फ़र्क आएगा, या तो बहुत ज़्यादा करके गिरने लगेगा या बहुत कम हो जाएगा, सेम वही सलाइवा के साथ भी है। तो ये कुछ मेजर साइन एंड सिम्टम्स हैं फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी के। तो दोस्तों, अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर बेल्स पाल्सी या फेशियल पैल्सी में। हमारी जो सबसे टॉप मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन फॉर फेशियल पैल्सी, कॉस्टिकम। कॉस्टिकम एक बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है दोस्तों। कॉस्टिकम के नेचर में पैरालिसिस होता है, यानी कॉस्टिकम का स्वभाव में हम लोग पैरालिसिस देखते हैं, फेशियल पैल्सी देखते हैं, और स्पेशली पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट। सिंगल पार्ट, यस। ये तो, जैसे फेस का आधा हिस्सा, ये सिंगल पार्ट इसको कंसिडर कर सकते हैं। और कॉस्टिकम में जो पैरालिसिस होता है ज़्यादातर टाइम वो राइट साइड में होता है। राइट फेशियल पैल्सी कॉस्टिकम का मेन फीचर है। कॉस्टिकम के पेशेंट को ना रिकरेंट भी होता है, बार बार फेशियल पैल्सी भी देखी जाती है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट थी कॉस्टिकम की, उनको ये चौथा अटैक था। तो अब की बार जब हमने उनको मेडिसिन दिया और उसके बाद से वो बिल्कुल ठीक है और अभी तक उनका रिकरेंस नहीं हुआ है। तो ये चौथी बार होने की वजह से काफ़ी डैमेज हो चुका था, लेकिन बहुत अच्छा है। तो कॉस्टिकम का जो है ना, एक पैरालिसिस तो रहता ही है, एक वीकनेस सी देखी जाती है। इनके जो मसल्स होते हैं ना, वो धीरे 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 लूज होते 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 फिर एक टाइम पे पैरालिसिस हो जाता है। तो ये चीज़ हम देखते हैं कॉस्टिकम में, मसल का लूजनेस, मसल वीकनेस देखते हैं, धीरे धीरे वीकनेस एंड देन पैरालिसिस। ये इसमें सडन डेवलप नहीं होता है। हाँ, हाँ, ये धीरे 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 मसल वीक होते होते फिर वो पैरालिसिस के स्टेज तक चला जाता है। और जब ऐसा होता है फिर जब सिम्टम्स बाहर आते हैं, तो जैसे मुंह खोलने में इनको काफ़ी परेशानी रहती है, फोरहेड से लेकर जो चिन तक है ना, इनके सिम्टम्स दिखते हैं, कमज़ोर रहता है, मेनली जो मसल्स हैं वो कमज़ोर रहते हैं कॉस्टिकम में। तो अगर आपके ये सारे सिम्टम्स हैं तो आप कॉस्टिकम 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिन में दो बार दो दो बूंद सीधे जीभ पे खाली पेट में आपको लेना है। बिल्कुल। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है फॉर फेशियल पाल्सी, बेलाडोना। बेलाडोना एक ऐसी मेडिसिन है जिसका जो कोर होता है वो है रेडनेस, स्वेलिंग और हॉट, यानी जो चेहरा होता है जिस तरफ उनको पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी है, उधर का चेहरा एकदम सूजा हुआ रहेगा, लाल रहेगा और हीट बहुत ज़्यादा रहेगी। ये अगर किसी का इस तरह का लुक होता है तो सबसे पहले आपका ध्यान बेलाडोना की तरफ जाना चाहिए। साथ ही साथ जो फेशियल मसल है उसमें ट्विचिंग रहेगी और रेडनेस तो है ही, और साथ ही साथ इनको एक
तेज लाइट हो या तेज साउंड हो, ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी, तो ये अंधेरे कमरे में या शांत एकांत में रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल। और बेलेडोना पेशेंट्स का गुस्सा जो होता है वो बहुत हाई लेवल में होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि गुस्सा बहुत ज्यादा करने के बाद इनको अचानक फेशियल पाल्सी या जो बेल्स पाल्सी है वो डेवलप हो। बिल्कुल, बहुत वॉयलेंट एंगर बेलेडोना में रहता है। तो ये सिम्टम्स अगर आपके हैं, ये इस तरह का नेचर अगर आपका है, तो बेलेडोना 30 दिन में दो बार सुबह शाम आपको दो दो बूंद सीधे जीभ पे लेना है। बिल्कुल। और इसके बाद दोस्तों हमारी जो थर्ड मेडिसिन है और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है बेल्स पाल्सी की, एकोनाइट। एकोनाइट एक ऐसी दवाई है जिसमें जो पैरालिसिस, जो बेल्स पाल्सी जो डेवलप होता है वो सडन डेवलप होता है, अचानक डेवलप हो गया विद इन फ्यू आवर्स। और इसके पीछे एक बहुत ही हिस्ट्री रहती है। जैसे आप कहीं बाहर गए, सपोज़ आप ट्रैवल कर रहे हैं बस में हो या कार में हो या ट्रेन में, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपके फेस में, आप खिड़की के पास बैठे हैं और एक तरफ हवा आपके लग रही है, कंटिन्यूस हवा लग रही है, और इस हवा लगने की वजह से, कंटिन्यूस एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, इस वजह से अगर आपको सडन फेशियल पाल्सी डेवलप हो गया तो एकोनाइट आपकी मेडिसिन है। बिल्कुल। और एकोनाइट जो है ना वो थोड़ी सी हाई पावर में लेनी चाहिए। एकोनाइट आप 1 mm पावर में ले सकते हैं, बिकॉज एकोनाइट का जो पैल्सी होता है वो बहुत सडन होता है, तो एकोनाइट काम भी बहुत जल्दी करती है। जैसे ही आप लेंगे एकोनाइट, आपको बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। और इसके साथ साथ एकोनाइट का जो मेन दर्द होता है फेशियल पैल्सी, लेफ्ट साइड ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो दर्द के साथ साथ इसमें नमनेस भी हो सकता है, सूनापन या झंझनाहट भी हो सकती है, और बेचैनी भी काफ़ी रहती है। बट एकोनाइट एक शब्द में आप याद रखिएगा, सडननेस। बिल्कुल। अचानक अगर हो जाए तो एकोनाइट आपको सबसे पहले सोचना है। और इसके बाद हमारी जो आखिरी मेडिसिन है बेल्स पाल्सी की, वो है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है जो नर्व इंजरी में, किसी भी तरह की नर्व इंजरी में हाइपेरिकम एक्सीलेंट रिजल्ट्स देती है। और यहाँ पर अगर फेशियल नर्व्स किसी कारण से इंजर हो जाएं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी तरह का चोट लग गया हो, या और कोई कारण हो जहाँ पर नर्व डैमेज के कारण से फेशियल पैल्सी या बेल्स पैल्सी डेवलप हो गया, नर्व इंजरी के कारण से, तो वहाँ पर हाइपेरिकम लेना है, और हाइपेरिकम वो केस को बिल्कुल ठीक कर देगा। ठीक है, तो इसमें भी चूंकि नर्व इन्वॉल्व्ड है तो आपको झंझनाहट, सूनापन या जलन, बर्निंग सेंसेशन है ना, ये आपको, क्योंकि ये नर्व इफेक्ट है तो ये सिम्टम्स दिखेंगे आपको, और इसी से पता चलेगा कि नर्व इन्वॉल्व हुआ है आफ्टर इंजरी। और इस वजह से ही आपको जो यहाँ पे जो जॉ लाइन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक सी ऐसा महसूस होगा कि किसी ने यहाँ पे आइस लगा दिया है, या ठंडी नीडल्स कोई चुभा रहा हो, इस तरह की फीलिंग आएगी, और वो भी नर्व की वजह से, बिकॉज नर्व इन्वॉल्व हुआ है। तो हाइपेरिकम 1 mm पावर में लीजिए, 1000 पावर में, इसकी दो डोज लेनी है, दो बूंद सुबह खाली पेट में, और आपका जो पैल्सी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये चार मेडिसिन्स हैं बेल्स पाल्सी की, इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं, आप इन पे फ़ोन करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।